हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जुगाड़ ट्रेस गार्डन में। आज का वीडियो हमारा पौधे के देखभाल के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हम लोग पौधा लगाते हैं और लगाने के बाद पानी भी डालते हैं और देखभाल के रूप में यही समझते होंगे। जी ऐसा ही है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ है, क्योंकि सिर्फ पानी देना ही उसके देखभाल करने के अंतर्गत नहीं आता है। थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो कि ध्यान देनी होती हैं, तो आज इन्हीं छोटी छोटी बातों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, जिसको अगर आपने कर डाला तो आपका गार्डन बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत और टिकाऊ बनने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी डाल देते हैं आकर बस इतना ही, तो हम लोग सिंपल जानते हैं, बच्चों की तरह हम लोग इसको पालते पोसते हैं। गार्डनर एक जो भी है बगीचा लगाते हैं, वो अपने गार्डन को बच्चों की तरह प्यार करते हैं, तो बच्चों को सिर्फ खाना पानी दे देना से ही नहीं होता है, उनकी और भी देखभाल करनी होती है। तो आइए आज उसी देखभाल के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लिटिल बिट शॉर्ट, जितना तो नहीं, शॉर्ट से थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। और आज मैं एक एक करके कि जो केयर है वो हम करेंगे तो कैसा होगा और नहीं करेंगे तो कैसा होगा, दोनों रिजल्ट्स आज आपके बीच हम अपने चैनल पर दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये एक छोटी सी जानकारी हो सकता है आपके गार्डन को पहले से और खूबसूरत बना सके। तो चलिए साथियों, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम चलते अपने वीडियो के ऊपर। पेड़ पौधों की कटाई छटाई क्यों आवश्यक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे चैनल में जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें आपको यहां से देखने को मिलेगी। ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा, वही छोटी छोटी बात, वही एक छोटा छोटा राज ही आपके सफल गार्डनिंग का मूल मंत्र होगा। तो आप देख सकते हैं ये इतना बूसी है, ये मेरा गुलाब का पौधा है। बूसी होने का कारण यही है कि हमने इसकी कटाई छटाई की, और ये कटाई छटाई करने के बाद देख लें, ढेर सारी कलियाँ इससे निकल रही हैं और भी कलियाँ इससे निकलने वाली हैं। ये तो गुलाब का कटिंग हो गया, और मैं दूसरे पौधों की आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा गुड़हल का पौधा है, ओढ़हुल हम लोग जिसे कहते हैं। इसकी हाइट करीब 5-6 फीट हो जाती है ऊपर, और फूल तोड़ने में भी नहीं बनता। और हम आपको आज अपने गार्डन के दो तरह के पौधों से रूबरू करवाएंगे, जिसमें कि एक की कटाई छटाई हमने की है, प्रूनिंग की है। प्रूनिंग करने के बाद उसका जो व्यू है, उसके जो भी मतलब आप देख सकते हैं कैनोपी बन के आई है वो कैसी है, और जिसकी हमने नहीं करी है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये भी गुड़हल है, बादामी कलर का जो गुड़हल है वो इस, ये भी 5-6 फीट की हाइट ले लेता है, बहुत पुराना पौधा है। इसकी आप देख सकते हैं जब हमने इसकी कटाई छटाई की है तो नए नए शूटिंग्स निकल रहे हैं, और जितनी शूटिंग्स निकलेंगी उन सबों में फ्लावर होंगे और वो हमारे हाथ के पहुंच तक होंगे। ये जो पौधा देख रहे हैं करी पत्ता का है, यूँ तो करी पत्ता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का है, लेकिन भारत का मूल पौधा होता है। इसे हमने भी छत पर लगा रखा है, बहुत पुराना है, और बहुत पुराना होने के साथ साथ इसकी कैनोपी आप देखें कितना खूबसूरत है, पेड़ के जैसा लुक दे रहा है। तो पत्तियाँ कम है, चूँकि हम लोग पत्तियों को तोड़ते रहते हैं इससे। और ये देखिए हमारा कनेर का एक और पौधा है, ये भी काफ़ी मतलब बूसी हो चुका था, उसके बावजूद भी हमने कलेजे पर पत्थर रखकर इसे ट्रिम किया है, काटा है, लेकिन काटने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कैनोपी भी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। ये भी आप पौधा देख रहे हैं गुड़हल का है, ये गुलाबी कलर का गुड़हल है, बहुत खूबसूरत होता है, आपने हमारे वीडियोज़ में देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं अभी। अब क्या है कि अब इसमें आप देखें कि ये इसकी कैनोपी भी कितनी अच्छी निकल कर आई है। नेक्स्ट पौधा जो है हमारा, वो है हमारा हरसिंगार का पौधा, इसको भी हमने मतलब कट किया है। आप देख सकते हैं कि अभी पौधे से पत्तियों का निकलना शुरू ही हुआ है, और जब ये निकल कर आएंगी तो इसकी भी एक अच्छी कैनोपी बनने वाली है। तो हमने नीचे इसका ट्रिम नहीं किया है, और नीचे ट्रिम कर दूंगा ताकि इसकी अच्छी कैनोपी बन जाए। और ट्रिम करने का हम दिखा रहे हैं आपको कौन कौन से ब्रांच को हम कर सकते हैं। ये जो एक एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, और नीचे का ये वाला जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग हटाएँगे। तो वीडियोज़ में साथ ही साथ हम आपको बताते भी जाएँगे कि कहाँ से कैसे करना है। चलिए, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो पर बने हुए हैं तो आगे भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हमने जिन पौधों की कटाई की है, प्रूनिंग की है, पहले उसको हमने दिखाया, अब आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कि जिन पौधों की कटाई छटाई नहीं हुई है, जिनकी देखरेख सही से नहीं हो पाती है, वो कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए हमारा एक पौधा है जिसको हमने यूँ ही आपको दिखाने के लिए छोड़ रखा था कि अगर हम इसको काटते नहीं हैं तो कैसा होता है। ये देख लें इनकी पत्तियों का ग्रोथ, आप देख रहे हैं
और इनकी ढेर सारी शाखाएं हैं। नई पत्तियां तो आ रही हैं लेकिन उतनी अच्छी नई और उतनी हेल्दी नहीं आ रही हैं। ये आपने देखा, आगे भी आप देखते जाएं, ये सभी पौधों की प्रूनिंग नहीं हुई है। अब आप देख रहे हैं उन सभी पौधों को जिनकी कटाई छटाई समुचित रूप से नहीं की गई है, समय पर नहीं की गई है। उन पौधों के विकास को आप देख लें, उनकी पत्तियों का विकास देख लें, उनकी शाखाओं का विकास देख लें और उनके कैनोपी का विकास देख लें। ये सभी चीज़ आप देख लें और पीछे जितनी भी चीज़ें हमने दिखाई हैं उनसे कंपेयर कर लें। तो जो आप कंपेयर करेंगे तो वो कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि दोनों में कितना अंतर है। ये अंतर ना सिर्फ इसकी पत्तियों और इसकी कैनोपी में आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि अगर कोई पौधा आप अगर उसे अपने छत पर लगाते हैं, अगर वो एक दो साल बाद फल या फूल देने वाले होंगे, अगर आप उसकी सही प्रूनिंग करेंगे, अच्छे से प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई करते रहेंगे, गुड़ाई निराई जो भी है, तो इससे क्या होगा कि वो पौधे एक दो साल पहले भी आपकी फ्रूटिंग पे आ सकती है, वो पौधे इससे पहले समय से पहले भी सेट हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करना होगा। फिलहाल देखें ये बच्चा पानी पटाने के लिए कितना आतुर है। तो पानी पटाना बच्चों का खेल है, बच्चे भी पटा सकते हैं। जो मुख्य काम है वो है आपकी प्रूनिंग, कटाई छटाई, निराई गुड़ाई, सिंचाई, और सिंचाई मतलब कहने का मतलब इस पर स्प्रे की बात कर रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, बच्चों की तरह अपने गार्डन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, अच्छे तरह से अपने गार्डन को सजाना है, टेरेस को सुंदर बनाना है। फिलहाल मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप बस देखें कि किस प्रकार से जिसकी कटाई छटाई समय से या सही से नहीं हुई है वो पौधे कैसे हैं, और जो पौधे अच्छी तरह से ट्रिम किए हुए हैं उनकी ग्रोथ कैसी है। तो ज़्यादा हम यही बात कहेंगे कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो दिख रहा है वही सच है। धन्यवाद।